हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है एक एमरॉन कंपनी का इन्वर्टर, जिसमें प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम इसको 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई देते हैं तो इसके जो सभी एलईडी है ये ऑन हो जाते हैं, यूपीएस ऑन, लो बैटरी, ओवरलोड। कई बार ये अभी 3 है, कई बार पांचों के पांचों जो एलईडी है वो ऑन हो जाते हैं और कोई भी जो ऑन ऑफ स्विच है ये भी काम नहीं कर रहा। इसमें दोस्तों जब ऐसा कोई फॉल्ट आए तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है इसके माइक्रो कंट्रोलर आईसी की, यह वाला आईसी जहां पर जो लगा हुआ आईसी है। इस आईसी को दोस्तों हमें चेंज करना होगा, जहाँ पूरे का पूरा कंट्रोल कार्ड चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो कार्ड है वो बाहर निकाल लेंगे, इसका जो ये वाला आईसी है ये चेंज करेंगे, किसी भी पुराने एमरॉन के कार्ड से निकाल कर जहाँ पर हम ये आईसी नया लगा देंगे। तो सबसे पहले जो इसका कार्ड है वो हम बाहर निकालेंगे। हम यह वाला आईसी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा इसका माइक्रो कंट्रोलर आईसी, जो कि हम किसी दूसरे कार्ड का निकाल कर जहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी, इसकी पहचान क्या है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इसके ऊपर आप हाथ लगा कर देखो, ये काफ़ी हीट हो रहा होगा, काफ़ी ये गर्म हो रहा होगा, तो आप किसी और कार्ड का निकाल कर इसे लगा सकते हो। तो मैं भी अभी किसी और कार्ड का निकाल कर ये वाला आईसी है चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक और कार्ड था, उसका मैं ये आईसी निकाल रहा हूँ। तो हमने जो दूसरा आईसी था वो निकाल लिया है और इसको हम साइड में कर देंगे। तो यही आईसी हम यहाँ पर लगा देंगे। हमने इसका जो आईसी था वो चेंज कर दिया है। अब हम इसको सप्लाई देकर देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना होगा कि जो इसका 7805 आईसी है, जो जहां पर लगाया जाता है, यह आईसी शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें आईसी सही था। आप नया आईसी लगाने से पहले 7805 की वोल्टेज ज़रूर देखें, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि ये वोल्टेज ज़्यादा निकालता है, इसके लिए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो इन्वर्टर है हमारा वो सही हो चुका है, सिर्फ हमने इसका जो यह वाला आईसी चेंज किया है, ठीक है जी, बाकी सब कुछ ओके है। तो मैं इसकी जो आउटपुट है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें, यह 200 वोल्टेज बैकअप मोड में और यह साथ में एक बल्ब जल रहा है,
तो ये 100 वाट का बल्ब इसी के ऊपर चल रहा है, तो मैं अभी इसको जो मेन सप्लाई दे रहा हूँ यहाँ से, चार्जिंग ऑन, और यह वाला जो एम्पेयर मीटर है ये चार्जिंग के लिए है। तो जो इन्वर्टर है वो देख सकते हो आप कि ये अभी चार्जिंग मोड में है, आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी थी। आप इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में भी आपको इसी तरह की और वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।